हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रंजना और आज हम असाइनमेंट 9 करेंगे और उम्मीद है असाइनमेंट 8 में आपके पूरे 100 मार्क्स होंगे। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट 9। द टेम्परेचर डीप इनसाइड द ओशन इज रिलेटिवली अनचेंज बाय द टाइम ऑफ द डे, दैट इज ट्रू। इसका रीज़न ये है कि 90% ऑफ सी वाटर बिलो द थर्मोक्लाइन टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज बीइंग टैप्ड यूजिंग द ओटीईसी सिस्टम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 120 डिग्री सेल्सियस। यह फॉल्स होगा क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेम्परेचर कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ओटीईसी बेस्ड ऑन द लो इन एफिशिएंसी बट कैन बी एविडेंटली टैप्ड, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमने लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी ओटीईसी का जो एफिशिएंसी होता है वो लो होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन द मिक्स ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ द ओशन एंड द अनडिस्टर्ब्ड वाटर डीप इनसाइड द ओशन, दिस इज ट्रू बिकॉज हमें पता है कि जो बाउंड्री ऑफ द फ्यू हंड्रेड मीटर बिटवीन द मिक्स लेयर एंड अनडिस्टर्ब वाटर बिलो इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन, उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं, दैट्स वाई यर ट्रू हो रहा है। कूल वाटर फ्रॉम द डीप इनसाइड द ओशन कैन बी डायरेक्टली यूज ऑफ द एयर कंडीशनिंग, ये इसका जवाब सही होगा क्योंकि हमें पता है जो कोल्ड वाटर है उसको डायरेक्टली हम एयर कंडीशनिंग में यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई ये ट्रू। सो लेट्स मूव ऑन द सिक्स क्वेश्चन। लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कैन बी यूज इन द क्लोज साइकिल टू रन द टर्बाइन यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म एंड द कोल्ड वाटर, दैट इज ट्रू बिकॉज हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल का कंसेप्ट। क्लोज साइकिल के कंसेप्ट में बताया गया था कि लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड यूज होता है, दैट्स वाई मैंने सिक्स का जवाब ट्रू लगाया है। जियो थर्मल सिस्टम ट्राई टू टैप द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाई द अर्थ, इसका जवाब फॉल्स होगा क्योंकि बेसिकली जो जियो थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट है वो अर्थ के क्रस्ट और क्रोर की एनर्जी को यूटिलाइज करता है, अर्थ के टेम्परेचर को यूज करता है, ना कि सोलर एनर्जी ट्रैप बाय द अर्थ, दैट्स व्हाई मैंने इसे फॉल्स लगाया है। एट क्वेश्चन बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड इन द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन हाउ अर्थ क्विक वेव ट्रेवल थ्रू द अर्थ, इसका रीजन जो होगा इसको मैंने ट्रू एट को लगाया है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ अर्थ डिटरमाइंड के बारे में लेक्चर में बताया गया था 4 पॉइंट, जिसमें फोर्थ पॉइंट में क्लियरली बताया गया द पाथ ऑफ अर्थ वेव, अर्थ का वेव का जो पाथ होता है ट्रेवल थ्रू द अर्थ, दैट्स वाई 8 का जवाब ट्रू हो रहा है। बायोमास इज रिन्यूएबल सिंस इट इज इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ वुड, फॉल्स होगा क्योंकि हमें पता है बायोमास जो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, दैट्स वाई इज ये फॉल्स लगाए हैं। और टेंथ पे आते हैं। यूज ऑफ द बायोमास रिप्रेजेंट द कैप्चरिंग एंड रिलीजिंग द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बन, हैंस इट इज़ कंसिडर द सेफ फॉर द एनवायरमेंट, दैट इज़ ट्रू बिकॉज हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि जो बायोमास होता है वो क्लीन होता है क्योंकि कार्बन रिलीज इज वॉट कैप्चर बाई द प्लांट एंड ओरिजिनली, तो जितने भी कार्बन जो रिलीज होती है वो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो दैट्स वाई क्या होता है कि सेफ फॉर द एनवायरमेंट होता है, और इसलिए टेंथ का जवाब ट्रू हो रहा है। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी फर्दर NPTEL से रिलेटेड वीडियो